About something about infertility. Infertility की जब बात करता है like एक broad chapter है, so I wanted to explain the concept of the infertility as well as the usool इलाज, what is the principle of treatment की क्या उसमें क्या usool है. जब हम infertility की बात करते हैं क्योंकि इसकी definition तो हम जानते हैं. हस्बैंड एंड वाइफ या बोथ पार्टनर लिव टुगेदर, पुराने जमाने में 12 मंथ कहते थे, अभी 16 मंथ यानी 1.5 ईयर्स कंटिन्यूस एक साथ रहने के बावजूद भी अगर कंसीव नहीं हुआ या कोई इश्यूज नहीं हुआ, सच केसेस इज कंसिडर्ड एज एन इनफर्टिलिटी केसेस, प्राइमरी इनफर्टिलिटी केसेस. ये इनफर्टिलिटी केस सुनते हम लोग दवा लिखना शुरू करते. इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनफर्टिलिटी के अंदर भी कैफियत को ध्यान रखना बहुत जरूरी. बेसिकली 40% इनफर्टिलिटी की जिम्मेदार मेल पार्टनर होते हैं और 40% जिम्मेदार फीमेल पार्टनर होते हैं, एंड 14 to 40 80%, एंड द रिमेनिंग 20% इज कंसिडर्ड एज ए अननोन रीजन. तो फर्स्ट विल सी लाइक देर आर टू पार्टनर्स इनफर्टिलिटी के, ये जो इसके अंदर मेल एंड फीमेल. तो फर्स्ट विल थिंक दैट मेल पार्टनर, लाइक व्हेन यू थिंक अबाउट एज अ होल ह्यूमन बीइंग एज अ मेल, मेल इज कंसिडर्ड बी लाइक पॉजिटिव एंड द फीमेल इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव. There are a lot of sense, there are a lot of meaning of that positive and negative. Like positive, what does it mean? Does positive means? Means hot, ya garam mizaj. Male, thanda ya muannas ya. Wo ek matlab bhi uska. So, male ke andar, I told you that male is considered to be a positive and female is considered to be negative, like sun and moon. Male is considered to be sun and female is considered to be moon like. तो ज्यादातर issues जैसे हमने discuss किए थे GAT के अंदर, male के अंदर ज्यादातर infertility की issues is related to hot, यानी कि गर्मी की कैफियत बढ़ने से, और female के अंदर ज्यादातर जो कुली तौर पे female को ठंडा बनाया है उनके अंदर मजीद ठंडक की वजह से उनके अंदर ज्यादातर problem होते हैं. We'll discuss detail what are the problems. First we'll discuss about the male partner. As I told you, male is what? Ya aadmi ko Allah Taala ne ya Khuda ne har kaifiyat se yani tahreek se banaya, to usko taskeen ki zarurat rehti hai agar ilaaj bhi zid ki nazariya humne istemal kiya gaya. When you think about the sperm and spermatogenesis, the production of the sperm is called as spermatogenesis. So the spermatogenesis, as you know, the sperm is producing from the testis by primary, secondary, tertiary, three stages are there in the process of spermatogenesis. Why the testis is kept outside the body? The only one reason is the body temperature, because the testis is highly thermodynamic nature mein usko maintain kiya. Jab aadmi ki body ki garmi badhte hai to testis loose hoke बदन से दूर चले जाते. When we feel very cold या cold climate में चले जाते तो testis नीचे आ जाते to maintain the temperature. तो वाहिद एक ऐसी organ, एक आजा है body के अंदर highly thermodynamic में चलता है, यानी कि typical कैफियत से चलने वाली एक आजा है testis. कहते हैं कि 3 degree Fahrenheit, not centigrade, 3 degree Fahrenheit subnormal temperature रहते हमेशा testis की माहौल climate. तो वही क्लाइमेट में, वही टेम्परेचर में, वही एटमॉस्फेयर में स्पर्मेटोजेनेसिस फुल अचीव होता है. इसलिए आप देखते होंगे कुछ जगह पे जब डॉक्टर लोग इनफर्टिलिटी केसेस के अंदर वेरिकोस सर्जरी करते हैं, वेरिकोस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वेरिकोस की पैथोफिजियोलॉजी एंकोर्जमेंट ऑफ द वीम्स की वजह से बहुत देर तक वहां खून की रुकना, स्टैग्नेंट होना, दैट खून की रुकने की वजह से दोनों टेस्टिस के अंदर गर्मी बढ़ता है. यहां मॉडर्न मेडिसिन भी यूनानी प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर रहे बेसिकली, क्योंकि सप्लाई अगर ज्यादा हो गए तो प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए ना खून की रफ्तार, लेकिन यहां वहां नहीं, वो प्रिंसिपल नहीं. प्रिंसिपल वहां यह है कि वहां की एंकोर्स्ड वेन्स को काट के निकाल देते,
तो यहां प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहा है वेरिकोस, यानी कि आपके ठंडक के, वो बेसिकली ये याद रखना है कि वहां टेम्परेचर को मेंटेन रखना या टेम्परेचर को कम रखना, दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस कैफियत को आप अगर मद्देनजर रखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएंगी, स्पर्म को बढ़ाने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते, जो गरम गरम दवा लिख के देते, जहां हम लोग माजिन मुकव्वे मुगलिस या माजिन मुगलिस जौर वाली जितने भी गरम गरम माजून लिख के देते स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, ये कभी कभी क्या होते गलत हो जाते। अगर मरीज का खुद का मिजाज भी अगर गरम, अगर गरम दवा देने से मजीद स्पर्म काउंट कम हो जाता, कभी कभी बुखार की वजह से, कभी कभी गर्म तदाबीर से भी काउंट कम हो जाता। इसमें वेरी वेरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टेटेकी। स्टेटेकी के अंदर हमेशा याद रखो, नंबर वन एक चीज ध्यान रखो, ऑक्यूपेशन पूछना जरूरी, पेशेंट की पेशा क्या है। अगर सपोज पेशेंट दिन भर एक एक घंटा दो दो घंटा बाइक में सफर कर रहे टाइट ड्रेस पहन के, और वो रेक्सिन ब्लैक कलर, और वो गाड़ी हमेशा गर्मी में रहते, और वो छः छः सात सात घंटा नौजवान छोकरे लोग बूढ़े लोग तो बाइक में इतना नहीं घूमते, और बाइक में घूमते रहते, स्पर्म काउंट कम है, और तुम्हारे पास आके डेली माजून खा रहे और तुम इलाज कर रहे, यानी सबक का इजाला अगर किया तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी भट्टी में काम कर रहे, कभी बेकरी में काम कर रहे, या लेट नाइट सोता है, जो भी तदाबीर या जो भी फैक्ट जो बॉडी की टेम्परेचर या बॉडी की हॉट यानी हरारत को बढ़ाते सब काउंट को कम कर। तो सबसे पहले आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ये हिस्ट्री से ये कंफर्म होना जरूरी है कि पेशेंट की पेशा क्या है, पेशेंट की मिजाज क्या है। ये ज्यादातर सफरावी और दम्भी पेशेंट को ये गर्मी की प्रॉब्लम बहुत होता है कंपैरेटिवली, कंपेयर टू बलगमी और सौदावी मिजाज। बलगमी और सौदावी अगर बाइक में ज्यादा सफर की उतना प्रॉब्लम जितना सफरा को और दम्भी को होता है। आप देखते कभी पेशेंट सवाल पूछते, डॉक्टर साहब मेरे पड़ोसी में एक लड़के हमेशा बाइक में सफर करते हैं, उसको पांच पांच बच्चे हो गए, ये भी सवाल मतलब जवाब में पेशेंट बताते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर मिजाज का ध्यान रखना इसलिए जरूरी। तो मेल के अंदर अगर आपको स्पर्म बढ़ाना है, जनरल उसूल क्या है, आम उसूल मुबरिदात है, क्या है मुबरिदात और मुसक्किन, कभी मुहर्रिक और मुसक्किन यानी कि हरारत बढ़ाने वाली कभी दवा इस्तेमाल नहीं करना, वो कहाँ इस्तेमाल वो मैं बताऊंगा। तो जनरल प्रिंसिपल याद रखे कि मेल के अंदर स्पर्म बढ़ाने के लिए इरेस्पेक्टिव फोर मिजाज, वेदर इट इज बलगमी हो सौदावी हो सफरावी दमी कोई भी मिजाज रहते, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट यानी कि कूलिंग इफेक्ट देना। कभी कभी पुराने जमाने में ये कहते थे कि बाबा कई ठंडे मकाम में जाके रहो स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, या कुछ लोग बोलते बाथटब में बैठो स्पाइनल बाथ लो। ये सब कहने की पीछे वजह थी कि आपकी ये जो पेल्विक रीजन के अंदर ठंडक पहुंचा के स्पर्म काउंट बढ़ा। ये कभी अपने लबूब कबीर से या माजून अर्धकुर्मा या आपके माजून पंबा दाने से 100 गुना इफेक्टिव होंगे, आप इस तदाबीर को पेशेंट को बताएं। पेशेंट ये तदाबीर बताए बगैर डायरेक्ट दवा बिल्कुल नहीं दे। मेरे पास इतने सारे पेशेंट है, मैं सिर्फ तदाबीर से उसकी इलाज करता हूँ। मुझे समझ में आ रही कि पेशेंट की वजह स्पर्म काउंट कम होने की वजह क्या है, सिर्फ ये नहीं कि खाता है खा रहा है पी रहा है सब कुछ है, उसकी बाकायदा गिजा भी मिला स्पर्म काउंट क्यों नहीं बढ़। अब रहा सवाल वेरिकोसिल का, वेरिकोसिल हर आदमी को तकलीफ नहीं होता, नहीं करते। थर्ड डिग्री वेरिकोस जिसके अंदर वीन इतना इंकॉर्ज है, वो भी सफरावी के अंदर या दम्भी मिजाज के अंदर ही वो तकलीफ आते, बाकी किसी को वेरिकोस वीन इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। अगर आप तदाबीर बरूदत की या मुसकिनत की तदाबीर अगर इख्तियार करेगी तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। सॉरी मेरे पास इतनी सारी पेशेंट है, मैं कभी कभी मुझे समझ में आ रहा है पेशेंट की हरारत की गलबा है, सिर्फ मशरूब आमला जवारी शाही देबी दुलवर्क या लबूब बारी जैसे ठंडक देने वाले दवा से पेशेंट को स्पर्म काउंट भी बढ़ा और कंसीव भी हुआ। अब ये कानून या ये उसूल हर जगह पे ये नहीं एप्लीकेबल नहीं, कभी कभी इन केस पेशेंट जो जेंट्स पॉजिटिव यानी कि गर्मी है इनके अंदर होने के बावजूद भी कुछ मरीजों की मिजाज जो है ठंडा रहता, वो टाइम पे हमको गर्म दवा की जरूरत पड़ती है।
हमने तमाम हिस्ट्री लिया सब ओके, समझ में आ रहे पेशेंट के मिजाज के अंदर इतिदाल से ज्यादा ठंडक है, यानी कि उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस इसलिए नहीं हो रहे, उसके अंदर ज्यादा ठंडक है। हेलो चलने यार मिनट पास है तो बिके, तो इससे क्या होते कि ये जो तदाबीर के अंदर अगर आप समझ में आ रहे कि आपके अंदर सिर्फ आपको ठंडा दवा देने से आपको स्पर्म काउंट बढ़ रहे तो आप तैयारी की जरूरत नहीं। कभी कभी पेशेंट के मिजाज में अगर आपको मालूम पड़ा बरूदत की गलबा है तब आप क्या करेंगे, तब गर्म दवा इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे अजराकी है, माजुन फलासफा है, कभी बहुत जगह पे लिखा माजुन फलासफा, उस स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं ओनली इन केस ऑफ बारिद मिजाजों में, हर मिजाज में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो मेल के अंदर ये एक खुली उमूर ये याद रखने का मुबरिदात और मुसकिनत, बहुत कम जगह पे आपकी जरूरत पड़ती है उसको तहरीक की या तस्कीन की जरूरत पड़ती है, छोटी छोटी दवा से आपको स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। रहा सवाल फीमेल का, जब हम फीमेल की खुली उमूर देखते फीमेल ज्यादातर आप देखते होंगे उनके अंदर जो भले उसके अंदर अगर आप उसको तफसीली तौर पे जाएंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ओबेसिटी है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, ये सब सेकेंडरी, प्राइमरी तौर पे अगर देखेंगे औरत के अंदर, औरत खुद मिजाज है बरूदत के तरफ, वो बरूदत जो अल्लाह ने बनाया उसकी इतिदाल में रहना चाहिए, अगर मजीद उस औरत के अंदर या लेडीज के अंदर मजीद बरूदत की तरफ अगर चले गया यानी रुतुबत और बरूदत की गलबा हो गया तब ये पीसीओडी जैसे अलामत, फाइब्रॉइड, ये सब चीज उस रुतुबत की वजह से होती है। अक्सर आप देखते हैं अगर कोई पेशेंट गया गायनेकोलॉजिस्ट के पास, गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको वजन कम करो, वजन कम करना मतलब तहलील है, तहलील का मतलब गर्मी, यानी एक्सरसाइज करो, डाइटिंग करो, वेट कम करो ताकि तुम्हारा पीरियड भी रेगुलर हो जाएगी। वहां भी इन लोग भी कैफियत से इलाज कर रहे हैं क्योंकि वजन कम करने की बॉडी को गर्मी तदाबीर, वर्कआउट करो बॉडी को हरारत की तरफ लेके ताकि तुम्हारा ओवुलेशन बढ़े, क्योंकि ओवुलेशन जो प्रोसेस है वो गर्मी से होता है, जैसे अंडा हैच होता है फुट के बच्चे आते गर्मी से, वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस गर्मी से नहीं ठंडक से होता है। तो यहाँ ओवुलेशन के लिए जरूरी है हल्का सा हरारत, इसलिए अक्सर आप देखते हमारी हिस्ट्री में पढ़ते जिस टाइम ओवुलेशन होते हैं वो टाइम हल्का सा 1 or 2 degrees फेरनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है फीमेल के अंदर, फीवरेशनेस फील होते हैं जिस दिन ओवुलेशन होते हैं। तो फीमेल के अंदर खुली उमूर ये होना चाहिए कि गर्म दवा दे या गर्म तदाबीर दे, वो आप अगर इसके अंदर पीसीओडी भी हो तो भी गर्म तदाबीर ही आपको देना है, वजन कम करना है, रुतुबी चीज को कम करना है, ज्यादा सोने की या कसलापन या लेजीपन है उसके अंदर उसको निकाल के पेशेंट को बोलने का थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट करो, बॉडी वेट कम करो, ये सब चीज कैफियत के हिसाब से औरत के अंदर हरारत को बढ़ाना है। ये मेन दो चीज मेल और फीमेल के अंदर ये दो कुल उमूर लेके चलना चाहिए। अगर फीमेल के अंदर बरूदत की गलबा वहां भी हम गर्म दवा इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, जैसे जवारिश कलौंजी है, जवारिश कमोनी है, माजून जंजबील है, जितनी भी गर्म दवा से फीमेल की पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी पीरियड की ओवुलेशन को बढ़ाने के लिए ज्यादातर गर्म दवा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे मैं मेल की रीजन बताया, फीमेल के अंदर भी कभी कभी हरारत की गलबे की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। मिसाल के तौर पे जो सफरावी किस्म की जो औरतें जो लेट्स होता है बहुत ही दुबला पतला है, हमेशा इवन रेस ऑफ टेम्परेचर की शिकायतें रहती है, हमेशा बॉडी गर्म रहती है, वहां तुमको कभी कभी ठंडे तदाबीर इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी आपको कैफियत से समझ में आएंगे इनके अंदर किस कैफियत है वो खुली तौर पर। तो कभी भी याद रखने का इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के अंदर जुजी तौर पे क्या है रीजन जानने से पहले दोनों पार्टनर को खुली तौर पे असेस किया करो, इसके अंदर कहां हमको क्या उसूल लेके चलना, उसके हिसाब से होना चाहिए हमारे उसूल इलाज, वरना परेशान रहेंगे कि इनकी पीसीओडी के लिए हम क्या दे, इसकी फाइब्रॉइड के लिए हम क्या दे, इसमें हम परेशान रहते हैं। पहले खुली तौर पर अगर पेशेंट को सही किया तो खुद ब खुद उसकी पीसीओडी का भी इलाज हो जाएंगे, उसकी फाइब्रॉइड का भी इलाज हो जाएंगे, उसकी पीरियड भी रेगुलर हो जाएंगी, उसकी वजन भी कम हो जाएगी। ये खुली तौर पे ये दो कुल उमूर याद रखने का इनफर्टिलिटी के अंदर। रहा सवाल 20% नामालूम, यानी कि जो समझ में नहीं आ रहा एटियोलॉजी क्या है, अननोन रीजन,
40% male cases se, 40% female cases, 20% unknown reason rehte. वो कभी कभी क्या होते हैं, वो अननोन रीजन में हम अज्यूम कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे पार्टनर को इवनिंग ऐसा टेम्परेचर है, वो कभी कभी एवेल्यूटी नहीं कर सकते, कभी लो ग्रेड फीवर रहते फीमेल के अंदर, तो वो ओवुलेशन के बाद में ओवम जल्दी एक्सपायर हो जाते, ये फीमेल मेल की स्पर्म वजेना में सर्विक्स तक पहुँचते पहुँचते इंटरनल ऑर्गन की गर्मी की वजह से डेड हो जाते, ये इवेल्यूएट करना मुश्किल हो जाता। कभी कभी डॉक्टर पीसीओटी पीसीटी यानी पोस्ट कोइटल टेस्ट कर देने की आफ्टर इंटरकोर्स के बाद में एक घंटे के अंदर वजेना से एक सैंपल सेलेक्ट करके देखते कि कितनी वायबल स्पर्म है उधर, वो भी एक चीज, वो सब क्या है, इवेल्यूएट नहीं कर सकते एज थ्रू एज ए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो वो 20% ज्यादा ऐसी चीज में रहते, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो या दूसरी कोई वजह हो या दूसरी कोई सेक्शुअल फिजिडिटी वगैरह दूसरी चीज इसके अंदर होने की वजह से ये 20% में। ये भी अगर आप कायदे से अगर हिस्ट्री लेंगे तो ये 20% भी आपको इवेल्युएट कर सकते। तो आफ्टर ऑल समराइज मैं कर रहा हूं आपको, इनफर्टिलिटी के अंदर कुल दो चीज याद रखो, मेल और फीमेल को कुली तौर पे क्या रीजन है, स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर क्या असर पड़ता है और ओवुलेशन पे क्या असर पड़ता है, ये दोनों का उसूल याद रखो। ओवुलेशन गर्मी से होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस ठंडक से होता है। ये दो उसूल अगर तुम्हारे दिमाग में तो खुद ब खुद आपके दिमाग में क्या दवा इस्तेमाल करना है आपको समझ में आएगा। मेल के अंदर अगर गुरुदत्त को बढ़ाना है तो लेबो बारीद है, जवारी शाही है, मशरूब आमला है, जितने भी जैसे मुबर्रिद है, आपको खुद बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने आप देखते होंगे स्पर्म काउंट बढ़ाने वाले ज्यादातर दवा के अंदर सर्द खुश्क यानी सर्दी के तरफ जैसे सिंगाड़ा है, इमली है, जो भी उठा के देखो सर्दी के जो भी स्पर्म बढ़ाने वाले दवा के अंदर ज्यादातर सर्द दवा ज्यादा इस्तेमाल किया करते हैं। ये चीज याद रखने और उसके बाद में जो 20% के अंदर मेल को याद रखो, कभी किसी किस्म की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो न हो, तो इसी जगह पर अपन माजून अर्धकुर्मा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माजून अर्धकुर्मा इज बेसिकली ए बेस्ट ड्रग एज ए सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के हिसाब से उसके अंदर सब कुछ है। तो अगर हमको समझ में आ रहा है कि पेशेंट कायदे की खाना पीना मिलने नहीं मिल रहा, मतलब इसके अंदर चांसेस है इसको फलाने फलाने डिफिशियंसी की, क्योंकि वो खाली एक दाल चावल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे हम ऐसी चीज इस्तेमाल करें जो एज ए सप्लीमेंट के तौर पे कोई भी चीज उठा के दे सकते। तो ये चीज आप याद रख के अगर इनफर्टिलिटी को हैंडल करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं, बमुकाबलतन रैंडमली आप जो ट्रीटमेंट करते हैं आपको समझ में नहीं, आप जितर भी मुकव्यात लिख के इस्तेमाल करिए, ये बात गलत है। इसमें खास तौर से याद रखो कैफियत का ध्यान रखना जरूरी है पेशेंट का, प्लस जो दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी कैफियत को आपको कायदे से आपके अंदर मालूम होता। थैंक यू, थैंक यू।